घने कोहरे के कारण हाईवे पर स्कूल बस समेत कई वाहन भिड़े। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित ट्योड़ी गांव के पास बुधवार की सुबह घने कोहरे के कारण बच्चों को लेकर सोनीपत जा रही दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इसी दौरान दो कार और ट्रक से आपस में भिड़ गए। हादसे के दौरान बस में बच्चों की चीख पुकार मच गई। बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। बताया जाता है कि कई बच्चों को मामूली रूप से हल्की चोट आई है। बच्चों को दूसरी बस से सोनीपत के लिए रवाना कर दिया गया। NH 709B पर यह भीषण हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और JCB से वाहनों को हटवाया जा रहा है। इस दौरान कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। ट्रक चालक को इस हादसे में चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बड़ौत कोतवाली प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि इस हादसे में स्कूल बस समेत कई वाहन घने कोहरे के कारण आपस में भिड़ गए। एक दो बच्चे को मामूली रूप से चोटें आई हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। एक ट्रक चालक को भर्ती कराया गया है। वाहनों को JCB मशीन से हाईवे के बीच से हटवा दिया गया है। उधर सूचना पर SDM बड़ौत दुर्गेश मिश्र और बागपत मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। क्या नाम है आपका? वकील है। क्या दुर्घटना हुई भैया? ये तो 15 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी खड़ी भी कर ली, ठोक दिला गई इसमें। कितने बच्चे हैं गाड़ी में? बच्चे सब सुरक्षित हैं?